कि अगर आप हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। लेकिन हम लोगों ने 17 महीने हम लोगों को मौका मिला, भाजपा को जब लात मार के नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ आए, हम लोगों ने भाजपा को भगाने के लिए देश भर से नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया और हमने कमिटमेंट किया कि भाई अब हम सरकार में आ रहे हैं तो आपको 10 लाख सरकारी नौकरी देना पड़ेगा और इनका 17 साल में एक नौकरी नहीं। लेकिन जब आपका भाई बेटा बिहार का उप मुख्यमंत्री बना तो 17 महीने के अंदर हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। बहालियां निकाली जा रही है, हम लोग काम करते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो जरा सोचिए कि अगर 17 महीने में तेजस्वी अगर 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे सकता है तो अगर 5 साल अगर आप हमको दीजिएगा तो कितने लोगों को हम लोग सरकारी नौकरी देंगे। मोदी जी से हम लोग पूछते हैं, आप तो कहते थे साल में 2 करोड़ दीजिएगा, लेकिन बताओ 10 साल प्रधानमंत्री रहे, हजारों में भी प्रधानमंत्री सरकारी नौकरी नहीं दे पाए, लेकिन हम लोगों ने 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया। जहां भी नौजवान भारत सरकार का बहाली निकलता था, सबसे ज्यादा कहां निकलता था? सेना में निकलता था, रेलवे में निकलता था। आज रेलवे को बेच दिया गया, स्टेशन बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, निजीकरण कर दिया गया। आजकल बहालियां कहां निकल रही है रेलवे में जो पहले निकला करता था? सेना में अग्निवीर योजना ला करके 4-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। बताओ जब हमारा वही अग्निवीर का सैनिक अगर शहीद होगा तो उसको शहीद का भी दर्जा नहीं मिलेगा, उसको ग्रेच्युटी भी नहीं मिलेगी, पेंशन भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा, ना पैसा मिलेगा, इस तरह का। और 4 साल के बाद नौजवान क्या करेगा, कौन सा काम करेगा? दिन रात मेहनत करके भागा दौड़ी करके अपना सेहत बनाता है और चाहता है देश का हर एक नौजवान लेकिन मोदी जी 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट वाला लिया, ना शहीद का दर्जा ना कुछ। अभी भी मेरे भाइयों को जो सीआरपीएफ के सब लोग हैं उन लोगों को भी शहीद का दर्जा नहीं मिलता। हम लोगों की लड़ाई है कि हम लोग इन सब लोगों को सम्मान देने का काम करेंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे। अगर आप हम लोगों का साथ दीजिएगा तो पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार आपके चाचा जी पलट गए, बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उनके प्रति हमारा सम्मान है, लेकिन अब चाचा जी से बिहार चलने वाला नहीं है।